हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.1 पे और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। फाइंड ए प्लस बी का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का पावर 4। फिर क्या कर रहे हैं, इवेलुएट रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4। तो बस इसका जो वैल्यू है ना, उसी में ए और बी की जगह पर रूट 3 और रूट 2 रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ही एक रिजल्ट देखे थे, याद होना चाहिए आपको। मैंने बताया हुआ था आपको कि x प्लस ए का पावर n माइनस x माइनस ए का पावर n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू में एन सी वन एक्स का पावर n माइनस 1 ए का पावर 1 प्लस एन सी थ्री एक्स का पावर n माइनस 3 ए का पावर 3। इसी तरह से ये टर्म्स चलते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में क्या करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 4c1 a का पावर, x की जगह पे a है, हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। और यहाँ पर देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है, b है ना जी, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर 1 प्लस 4c3 a का पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 और b का पावर 3। यही ना होगा, आप इसके आगे तो कोई टर्म होगा नहीं। चलिए देखते हैं, 2 इंटू में 4c1 4 इंटू में ए क्यूब बी, ये भी 4 ए बी क्यूब, यहां से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 हो जाएगा ना जी। नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं इसका 8 इंटू में ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब, ये आपका इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। फिर हमें क्या करना है, इवेलुएट करने के लिए कह रहा है रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4 और माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4। तो इसके लिए अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग 8 इंटू में रूट 3 का क्यूब इंटू में रूट 2 और प्लस रूट 3 इंटू में रूट 2 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 8 इंटू में 3 रूट 3 इंटू में रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 रूट 2। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 8 इंटू में 3 रूट 6 और प्लस का 2 रूट 6, यानी आ जाएगा 8 इंटू में 5 रूट 6, तो क्या आ जाएगा 40 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 40 रूट 6। नंबर देखिए यहाँ पर 4 नंबर, फाइंड x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6 हेंस और अदरवाइज इवेलुएट दिस। तो इसका